वाला महकमा पंचायत। हकमारा से मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो उन्होंने कानून बनाया कि सुबह आधी होगी और शाम आधी होगी, ये बात इसको हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और इस बात को ऐसे करें कि शुरू होते हुए काम आप जियो टैग कराएं और जब ख़त्म हो जाए उसके बाद करें। तो ये इसमें इसके हक में क्या आप लोग सारे हैं ना, बस ये बात है। मैं ज़्यादा कुछ ना चाहते हुए इतने बड़ी बात करूँ। तो सबसे पहले हमारी एलजी से रिक्वेस्ट है कि पहले जो पंचायतों में जो टेंडर वर्क किया है वो भी लोगों का, गरीबों का हक छीना गया है। तो अभी जो नया ऑर्डर आया है GRS एक है, उसके पास चार चार पाँच पाँच पंचायतें हैं, तो वो एक आदमी कहाँ कहाँ जाकर जी टैग करेगा। पहले सिस्टम था कि शुरू में जी टैग करनी तो या आखिर में करनी तो पेमेंट हो जाती थी, तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। ये गलत किया है गवर्नमेंट ने, इस पर नज़र आसानी करनी चाहिए और ये मार्च के बाद इसको लागू करें। हमारी एलजी से हिसाब से रिक्वेस्ट है, तो उस पर नज़र आसानी करें और इसको दोबारा मार्च के बाद इसको रिलीज किया जाए। शुक्रिया। ने जो फैसला लिया है कि बारगी उन्होंने ये फैसला सब ने इत्तेफाक और इत्तेफाक से लिया है कि जो NMMS जो ऑनलाइन हाज़री जो MG नरेगा के तहत गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर किया है फर्स्ट जनवरी से, तो इसको जो है अभी से, जैसे कि आपने सरपंच साहब ने कहा है कि इसको मार्च के बाद ही लागू किया जाए, क्योंकि प्लानिंग ऑलरेडी सरपंच हजरात ने जो कर दी है और इसके तहत नहीं हुई है, जो इन्होंने ऑनलाइन जो हाज़री जो है लेबर की करनी है वो इस वक्त लागू करना जो है मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। और क्योंकि ये हमारा इलाका जो है एक पहाड़ी इलाका है, वो चार चार पाँच पाँच पंचायतें हैं एक एक GRS या SFT के पास, अगर उनको हम पहाड़ी इस इलाके में ना, उनके पास तो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है GRS के पास, तो गाड़ी होगी तो वो जाएगा चार पाँच तक, तीन घंटे उन्होंने दिए हुए हैं 7 से लेकर 10 बजे तक अटेंडेंस करनी, फिर 3 बजे के बाद अटेंडेंस करनी, 5 पंचायतों में वो कैसे पहुंचेगा बंदा और अटेंडेंस करेगा। लिहाजा हम ये कहते हैं गवर्नमेंट से, अगर उन्हें ये करिए, ला लाना ही है इसमें, ये चीज़ लानी ही है अगर ऑनलाइन, तो मार्च के बाद ये करें ताकि हम लोगों को भी, जो सरपंच हजरात हैं इनको लोगों को भी पता चले, और ये भी अपना प्लानिंग उसी तरीके से करें, बड़े बड़े काम रखें और उसमें कोई मेट वगैरह मुकर्रर करके या किसी तरीके से उसको वो चलाएंगे।